एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मंत्री दिनेश कार्तिक की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, यूपी के मंत्री दिनेश कार्तिक ने इस्तीफे की पेशकश की है। कहा जा रहा है कि वो अफसरों से नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी के बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। ये वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। अफसरों से नाराज चल रहे हैं, अफसरों पर मनमानी करने के आरोप लगाए गए हैं। मंत्री ने बात न सुनने की बात कही और इन सारी चीजों को लेकर यूपी के मंत्री दिनेश कार्तिक ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या नाराजगी अफसरों से जिस वजह से मंत्री जी इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल शुभांकर, इस पूरे मामले में कल से जब खबर आई कि दिनेश कार्तिक ने अपना रेजिग्नेशन दिया है, उसके बाद से लगातार ये सरगर्मियां चल रही थी कि आखिर क्या कारण था। लेकिन अब वो चिट्ठी सामने आ गई है, गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में साफ तौर पर ये कहा है कि दलित होने के नाते उनकी अनदेखी होती है और सीधे तौर पर इस बात के गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी कार्रवाई नहीं की जा रही। और जिस तरीके से लगातार बात की जाए कि जो अधिकारी है वो उनकी बात नहीं सुनते, इस बात का प्रमाण उन्होंने इस चिट्ठी में दिया है। ये भी तक कहा है कि उनके काम का बंटवारा नहीं हुआ है और इस बंटवारा ना होने के चलते उन्हें कई चीजों में इग्नोर किया जाता है और इसको सीधे तौर पर उन्होंने रखा है। ये चिट्ठी में कई ऐसी संगीन बातें सामने आई है और उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर लिखा है कि इस मामले का संज्ञान लिया जाना चाहिए और एक नाराजगी जताई है और नाराजगी के चलते उन्हें लगता है कि दलित कल्याण की जो काम सरकार कटिबद्ध है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसको सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है और इन्हीं कारणों के चलते उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा दिया है। हालांकि सरकार ने मना किया है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन वो चिट्ठी जो है वो सामने आ गई जिसमें साफ तौर पर इस बात को देखा जा सकता है कि अपनी नाराजगी दिनेश कार्तिक ने कैसे सीधे तौर पर जताई। तो जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या ये चिट्ठी जो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, ये मुख्यमंत्री को पेशकश की थी या मीडिया के जरिए सार्वजनिक की थी? ये मीडिया में कैसे आई, कहां से ये लीक हुई है? और दूसरा, इस इस्तीफे को लेकर फिलहाल राज्य सरकार का रुख क्या है, सीएम का रुख क्या है इस पर? देखिए, ये जो चिट्ठी है ये सीधे तौर पर अमित शाह गृह मंत्री को भेजी गई, इसकी एक कॉपी राजभवन गई और एक कॉपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भी गई। यानी कि अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी बात को भी रखा है और उसमें अपने साफ तौर पर नाराजगी जताई है।